अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं काले चने, और काले चने बनाने के लिए जो जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। अब मैं इसके अंदर देखें 1 बड़ी इलायची डालूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा, ये थोड़ा सा मैं तेज पत्ता, और ये मेरे पास हरी मिर्च है, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, ये भी डाल दूंगी। छोटा सा एक आलू मैंने डाइस की शक्ल में काटा, ये भी है, और एक छोटा टमाटर। ये मेरे पास मसाले हैं, जो मैं इसमें 2 हरी मिर्चें और हरा धनिया और लहसुन अदरक और एक प्याज छोटा, ये ज़रूर आप डालेगा, इससे टेस्ट अच्छा होता है। आप या तो इसके हाथ से वो कर सकते हैं, या मिक्सी में डाल के आप पीस सकते हैं। चनों का टेस्ट जो है ना, इससे बहुत अच्छा आएगा, आपका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है ना हल्दी का डाल दी, 1/2 टीस्पून जो है ना कुटी हुई मिर्चें, पिंक सॉल्ट थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी अभी इसमें। थोड़ा सा पानी रह गया इसमें, बस मैं चने डाल दूंगी। इसको दम पे रखूंगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ, 5-10 मिनट के लिए बस। इसको देखें, अब ये तैयार हो गए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा है, और थोड़ा सा भुना हुआ साबुत धनिया है, तो ये 1 टीस्पून है। देखिए मज़ेदार से कितने मज़े, यमी देख के आप ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएंगे ये चने। ये मैंने जितनी बार भी बनाए सबको बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ मैंने इमली की चटनी रखी है, अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसको सर्व करना है। ये ग्रीन चटनी है रायते वाली,